सब्सक्राइब करें टैग मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर सभी अपडेट पाएं हमारे यूट्यूब चैनल की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप में सेव किसी भी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है जिसका नाम है OBS, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। जरूरी नहीं कि आप कोई लाइव शो लाइव चलाएं, आप उस शो को रिकॉर्ड करने के बाद में कभी भी अपने YouTube चैनल पर लाइव चला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और वीडियो मिस नहीं करिएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है मुस्तफ़ा अली और आप देख रहे हैं टैग मुस्तफ़ा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा और उसको आपको ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर का नाम है OBS स्टूडियो। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्विस में YouTube/YouTube Gaming को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको गेट स्ट्रीम की पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका एक क्रोम ब्राउज़र का टैब खुलेगा, यहाँ पर आपका जो YouTube चैनल है वो ओपन हो जाएगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जैसे ही नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीम की शो हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपकी स्ट्रीम की है। आपको इसको रिवील करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों, आपको अपने वापस सॉफ्टवेयर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको इस स्ट्रीम की को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ आउटपुट में जाना है और आउटपुट में आपको यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्वालिटी को हाई क्वालिटी में सिलेक्ट कर लेना है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को MP4 में, और यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ वीडियो में आ जाना है और वीडियो में आपको सबसे पहले आपको ये रेजोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, आपको इनको रेजोल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने हिसाब से अपने रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों, अब आपके YouTube चैनल की जो की है वो सॉफ्टवेयर में हमने पेस्ट कर दी है। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास होगी एक वीडियो जो हम अपने YouTube चैनल पर लाइव चलाएंगे, एक थंबनेल जो थंबनेल हम लगाएंगे, और वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। जो हमने अभी यहाँ पर लिंक ओपन किया था, आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चेंज थंबनेल का एक ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने थंबनेल पर क्लिक करने के बाद इस थंबनेल को अपने YouTube चैनल पे लाइव पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, यहां पर ये आपका थंबनेल अपडेट हो गया है। अब जैसे ही आप कोई भी वीडियो लाइव चलाएंगे, उसका थंबनेल कुछ ये दिखने वाला है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन का, तो यहां पर आपको टाइटल में टाइटल को डाल देना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैंने अपने टाइटल को कॉपी किया हुआ है, तो यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी मैंने यहां पर कॉपी कर लिया हुआ है पहले से ही। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे करके तैयार रख लेना है और आपको कॉपी करने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, योर चेंजेस इज बीइंग सेव्ड, और यहाँ पर जो आपने अभी ये चेंजेस किए हैं ये आपके सेव हो गए हैं। अब दोस्तों, आपको इसको मिनिमाइज कर देना है। अब आपको अपने अपने सॉफ्टवेयर में चले जाना है, OBS वाले में। यहाँ पर दोस्तों, आप देख पाएंगे सीन्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सीन को ऐड करना है। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक करें और ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको ऐड कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप एक सीन को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सोर्स में आना है और यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सोर्स देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आपको मीडिया सोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम मीडिया सोर्स से करेंगे। मीडिया सोर्स मीन्स आपकी कोई भी वीडियो इसमें इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो उसकी आवाज़ होगी, सिर्फ वही आवाज़ आपको लाइव में शो होगी। बाकी आप जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो आपको नहीं सुनाई देने को पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मीडिया सोर्स पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ब्राउज कर लेना है। आपको अपनी वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ओपन कर देना है।
यहाँ पर दोस्तों आपको लूप का एक ऑप्शन दिखता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी वीडियो लूप में चलती रहेगी। एक बार लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हुई फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अगर ये लूप चलाना है तो आपको लूप को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ओके करने से पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे मीडिया सोर्स का एक ऑप्शन ऐड हो जाता है। यहाँ पर आपको इस पर सेटिंग पर क्लिक करना है, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज में जाना है और मीडिया सोर्स में आपको यहाँ पर आपको मॉनिटर एंड आउटपुट पर क्लिक कर देना है और इसको आपको क्लोज कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको जस्ट सिंपल ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपको यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको हम अपने YouTube चैनल पर दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका ये YouTube चैनल है जिस पर हमने अपना लाइव चलाया है वीडियो। हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लाइव लिखा हुआ आ गया है और हमारी ये वीडियो यहाँ पर लाइव चल रही है। हम इसको एक बार आपको प्ले कर दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी थंबनेल भी सेम आ गया है, यहाँ पर आपका टाइटल आ गया है, जो आपने टाइटल सेट किया था और जो डिस्क्रिप्शन में आपने डाला था वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल गया है और यहाँ पर आपकी वीडियो लाइव चल रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइव लिखा हुआ आ रहा है और आपकी ये वीडियो लाइव चल रही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आप हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।